ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। तो टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट द मेनिपास एंड देयर डाइट। आज बेसिकली जो मेरा टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगी वो है मेनिपास और इसकी डाइट क्या है। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि मेनिपास होता क्या है। ये इसमें हम बात करेंगे कि जब भी फीमेल्स, ये किसके अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि फीमेल्स के अंदर ये पीरियड आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है कि जब फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज स्टॉप हो जाती है, ठीक है, जब उनकी ओवरीज जो है वो क्या करती हैं कि इनफ अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, तो तब ये प्रोसेस जो है वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि पीरियड्स बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि मेनोपॉज का ये जो टाइम पीरियड होता है ये तब होता है आफ्टर द एज ऑफ 14, 40 साल के बाद जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो आता है कि इसके अगर हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट हो रहा है, फीमेल्स को इसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कब ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले क्या होता है कि पाल्पिटेशन होती है, ठीक है, मूड इरिटेबिलिटी होती है, सम टाइम क्या होता है कि उनके अंदर क्या होता है कि उनको सम टाइम अचानक ही दिन या फिर रात के किसी टाइम पे भी स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी टैकीकार्डिया भी हो जाती है। टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि उनका हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, हेडेक के भी कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है, और डिप्रेशन भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारा जो पॉइंट आता है कि मेनोपॉज जब होता है तो इसकी वजह से इसका मेन कारण तो ये होता है कि जब हमारी ओवरीज जो है वो इनफ अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। अब इसकी वजह से इससे जब हमारी अब एस्ट्रोजन जो होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है, इसने हमारी बॉडी में काफी सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। अब जब ये इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होगा, कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, तो बॉडी के अंदर क्या होता है काफी सारी फिजियोलॉजिकली तौर पर चेंजिंग्स आती हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब भी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो फीमेल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसके जो यूट्रस है वो बिल्कुल स्मॉल हो जाता है, ठीक है, और उसके मसल्स की ट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाती है, सर्विक्स स्मॉल हो जाती है, ठीक है। ओवरीज जो है उसकी उसमें एंड्रोजन का लेवल जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बाकी जो मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो कम प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी वजह से काफी सारे और भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं मेनिपास की सिचुएशन में, जैसे कि स्किन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्किन जो कि इलास्टिसिटी बिल्कुल लॉस हो जाती है, स्किन जो है इसमें बिल्कुल थिन हो जाती है, फाइन हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। स्किन की मतलब कि एक जो मेन हमारी स्किन कोलेजन है जो इसका काम क्या होता है कि उसने हमारी स्किन की फॉर्मेशन करनी होती है, तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो कोलेजन जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो थिन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इस सिचुएशन में काफी सारी वुमेन्स का क्या होता है, औरतों का, कि वजन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके ड्यू टू द इरेगुलर फूड हैबिट की वजह से, ठीक है, और ड्यू टू द फैट डेपोजिशन की वजह से उनका वेट जो है वो काफी सारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक और प्रॉब्लम क्या आती है इसकी सिम्टम्स में, कि हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, और सम टाइम क्या होता है कि जो वॉइस होती है वो उसमें भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, थिकनिंग ऑफ द उनकी बिकॉज ऑफ द थिकनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आफ्टर मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि वोमेन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल के ब्लड के अंदर बढ़ने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड आर्टरीज के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होगी, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक या आर्टरियोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर वो बाद में कोलेस्ट्रॉल का लेवल उनकी बॉडी में ज्यादा हो। इस तरह हमने बात की थी कि एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बोन फॉर्मेशन में, ठीक है, तो जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा हमारी बोन से। ये माइक कौन है? आई रिक्वेस्ट यू ऑल पार्टिसिपेंट्स प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। मालिक प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। जी डॉक्टर फातिमा प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, इसमें एक तो क्या होता है कि जब भी एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बोन्स की फॉर्मेशन में, ठीक है, बोन की डेवलपमेंट वगैरह में, जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो इसने क्या करना होता है इस स्टेज में आके आता है कि वोमेन्स की जो होती है वो औरतों की जो ज्वाइंट्स वगैरह में काफी सारा इश्यू होता है, पेन वगैरह स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द 14 ईयर, 40 साल के बाद। इसकी मेन रीजन ये है कि कैल्शियम जो है वो उनकी हड्डियों से निकलना स्टार्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। जब बोन डेंसिटी कम होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनकी जो हड्डी मतलब के ज्वाइंट्स हैं वो काफी सारे वीक हो जाते हैं।
इसके वजह से काफी सारा इश्यू आता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काफी सारा इश्यू आता है, जो मोटर एक्टिविटी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो भी कम हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। इंस्टेंस इंटेस्टाइन जो होता है हमारे जो आंते हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी स्लगिश हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट में क्या आता है कि प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से काफी सारी औरतों को समटाइम इस स्टेज पे आके कॉन्स्टिपेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस स्टेज पे आके यूनरी जो सिस्टम होता है उस पर भी काफी इफेक्ट होता है, जो यूरेथ्रा जो हमारी जो लाइनिंग होती है उसकी वो भी इफेक्ट करती है, जो ब्लेडर होता है वो भी काफी सारा ड्राई हो जाता है, थिन हो जाता है और इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि अब ये सारी सिचुएशन है, जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं इसको कम करने के लिए हमें इनको कौन सी डाइट वगैरह रिकमेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको इस टाइम पीरियड से पहले ही वो अपनी डाइट को ऐसे मैनेज करें ताकि उनको नेक्स्ट ये वाली प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सबसे पहले हमें बात करते हैं कि हमने बात की है कि सबसे पहले हमने बात की है कि इनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, हमने इनको वो डाइट देनी है जिसके अंदर फाइटो एस्ट्रोजन ज्यादा हो, ठीक है, जो कि इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करे। सबसे पहले हमने बात करनी है कि फाइटो एस्ट्रोजन मेनली हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से ऐसे फूड है जिनके अंदर फाइटो एस्ट्रोजन होता है, जो कि एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये बेसिकली ये होता है सोया प्रोडक्ट के अंदर होता है, ठीक है, या मिल्क चीज वगैरह के अंदर भी होता है, ठीक है। अगर हम फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट दें तो वो ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इनको कौन कौन से फूड ऐसे रिकमेंड कर सकते हैं इससे प्रिवेंट करने के, मतलब मेनोपॉज के सिम्टम से प्रिवेंट करने के लिए, हम इनको फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट दे सकते हैं, हम इनको पोमेग्रेनेट दे सकते हैं, अनार दे सकते हैं, कॉलीफ्लावर दे सकते हैं, लेटिस दे सकते हैं, ब्रोकली दे सकते हैं। इस स्टेज पे आके भी, क्योंकि इस स्टेज पे आके हम इनको हमने हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट हम इसलिए देंगे क्योंकि वो एक ऐसे फेज से गुजर रही होती है, उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक चेंजिंग फेज में आ रही होती है, बिल्कुल न्यू फेज में, तो बॉडी का सारा सिस्टम चेंज हुआ होता है, तो इस वजह से इनका बॉडी के हार्मोन्स एंजाइम वगैरह के प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए इनको हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी हमारी बॉडी के हार्मोन एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई न्यूट्रिएंट डाइट देंगे, ठीक है। अब इसमें हम काफी सारे कुछ सीड्स वगैरह इनको रिकमेंड करेंगे, जैसे हम इनको फ्लैक्स सीड देंगे, सनफ्लावर सीड देंगे, पंपकिन सीड रिकमेंड करेंगे। इनके अंदर क्या होता है कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि इनके जो स्किन हेयर लॉस वगैरह का इश्यू है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये सीड्स जो है इनको हम डिफरेंट ग्राइंड करके हम इनको डिफरेंट स्मूथी वगैरह में ऐड करने के लिए हम दे देंगे, ठीक है, इसको डिफरेंट फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इनको सीड्स नट्स वगैरह रिकमेंड करेंगे, फैटी एसिड वगैरह लेंगे, ठीक है, जैसे कि मूड कंट्रोल करने के लिए इसमें बेसिकली रोल आता है कि हम इनका ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन होना जरूरी है, तो इसके लिए हम इनको हाई फाइबर डाइट देंगे। ग्रेन्स में अगर हम बात करें तो इसमें हम ज्वार देंगे, बाजरा देंगे और जौ देंगे, ये इनके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ये ब्लॉटिंग वगैरह को भी कम करेगा। इस स्टेज में हमने बात की है कि कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो ऑब्वियसली साथ ब्लॉटिंग गैस वगैरह का इश्यू भी होगा, तो इसके लिए हम इनको जो ग्रेन्स जो हम रिकमेंड करेंगे वो हम इनको ज्वार बाजरा जौ वगैरह हम इनको रिकमेंड करेंगे। जो बेस्ट फूड इस पर वो ले सकते हैं वो इसमें एप्पल है, सेब ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, अमरूद बहुत अच्छा है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है एंथोसायनिन, जो कि इस वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो लेवल होता है बॉडी में उसको ज्यादा करता है। पपाया हम देंगे, ठीक है, इसके अलावा हम एग इनको देंगे, फिश देंगे, डेयरी देंगे, कुछ पल्सेस देंगे। इस स्टेज पे आके सबसे ज्यादा जो मेन हमें चीज लेनी पड़ती है वो हमें अपनी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का ज्यादा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने बात की है कि एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से कैल्शियम हमारी हड्डियों से निकल जाता है, जिसकी वजह से वुमेन की जो जॉइंट्स हैं, हड्डियां, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको हाई कैल्शियम डाइट जो है रिकमेंड करेंगे। इसके लिए हम डिफरेंट कैल्शियम का सप्लीमेंट वगैरह भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सिट्रेट वगैरह है, तो उनके अंदर इनफ अमाउंट में कैल्शियम वगैरह होता है तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम जो ले सकती हैं वो डेयरी के अंदर बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, नट्स के अंदर कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, जितने भी ये सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड है, पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर है, इन सब के अंदर कैल्शियम रिच है। अगर हम बात करें तो आलमंड के अंदर भी सबसे ज्यादा कैल्शियम है। अगर हम विटामिन डी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो विटामिन डी जो है वो बेसिकली तो हमें सनलाइट के थ्रू लेना चाहिए, वो इसका बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो एग योक के थ्रू ले सकती हैं, अंडे की जर्दी जो है उसके अंदर विटामिन डी काफी सारी अमाउंट में होता है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गन मीट हैं, जैसा कि ये कलेजी वगैरह हो गया, ठीक है, जितना भी मटन है वगैरह, उसके अंदर भी इनफ अमाउंट में जितने मीट प्रोडक्ट है उनके अंदर विटामिन डी होगा। इसके अलावा
ऑयल्स वगैरह हम कुछ रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा हमने बात की है कि बोन्स का काफी सारा इश्यू होता है, तो इसके लिए बोन की मिनरलाइजेशन के लिए हमें जो है वो विटामिन के भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा हम इनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रिकमेंड करेंगे। जितने भी बी विटामिन होंगे वो उनकी डेली रूटीन में लेना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए क्या होगा, जो चीजें इनको नहीं लेनी चाहिए, रिफाइंड फ्रूट्स को फूड को बिल्कुल भी नहीं हम रिकमेंड करेंगे, स्पाइसी फूड को हम वो रिकमेंड नहीं करेंगे, रिफाइंड फ्लोर नहीं लेंगे, वेट गेन नहीं ज्यादा होना चाहिए, साल्टी फूड इस फूड को हम रिकमेंड नहीं करेंगे, और कैफीन कैफाइन इंटेक जो है वो अपना कम करें। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक हम इनको रिकमेंड नहीं करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, अगर हम मेन्यू पास कर हम बात करें कि इसमें कैल्शियम के सोर्स को हमने मेंटेन करना है, तो कैल्शियम के लिए जो हम एक बेस्ट ब्रेकफास्ट हम इनको रिकमेंड कर सकते हैं, उसमें जो आ जाता है कि हम इस तरह ब्रेकफास्ट ले सकते हैं कि ओट्स का पोरिच, ठीक है, वो ओट्स पोरिच बनाए, और उसके अंदर उसको हमने किसके अंदर बनाए, आलमंड मिल्क के अंदर बनाए, या फिर उसके अंदर आलमंड ऐड कर लें, और उसके अंदर हम कुछ 1 टीस्पून हम सीड्स वगैरह, हाफ टीस्पून हम सीड्स वगैरह ऐड कर लें, तो ये एक अच्छी स्मूथी बन जाती है जिससे हमें मैक्सिमम 400 से 800 मिलीग्राम कैल्शियम मिल सकता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल, जितना भी ये देसी घी वगैरह, वो भी बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का, विटामिन ए का, वो हम इनको रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि मेन्यूपॉज को ट्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके आफ्टर मेन्यूपॉज वेट का कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वेट कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप ओबेस होंगे, ओबेस होने के साथ क्या हो जाएगा, आपके अंदर ज्यादा चांसेस हो जाएंगे हाइपरटेंशन के, टाइप 2 डायबिटीज के, गॉल स्टोन के, ठीक है, काफी इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग के काफी सारे इश्यू होंगे। नेक्स्ट आता है कि अच्छा, इस पे जो हमने कार्बोहाइड्रेट का जो काउंट हमने करना है कि हमने कार्बोहाइड्रेट इंटेक हमारा 60% होना चाहिए, 20% हमने प्रोटीन लेनी है, और 20% हमने फैट लेनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने जो फैट जो हमने लेनी है वो 20 से 25 हम मिलीग्राम पर डे हम रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, इसमें हमारा क्या है कि माइक्रो न्यूट्रेंट्स का इंटेक भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी डाइट में। इसमें हम क्या करेंगे, इनको हम कहेंगे कि आपने दिन में 2 से 3 सर्विंग फ्रूट और वेजिटेबल्स की जरूर लेनी है, ठीक है। मैक्सिमम इनको जो कैल्शियम एक एक पर डे रिकमेंड किया जाएगा वो 1500 मिलीग्राम कैल्शियम इनका लेना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की है कि ये इसके साथ साथ इनका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड, जिंक, कैल्शियम, आयरन वगैरह भी रिकमेंड किया जाएगा। इसके अलावा फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन ए डी के, ये भी इनको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा, साल्ट जो हम ले साल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो साल्ट जो है 1.5 टीस्पून या 3 से 5 ग्राम पर डे जो है वो हम इनको रिकमेंड करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो वाटर इनटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हम इनको करेंगे कि आप ये हर्ब्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये फेनुग्रीक और सिनिमम जो है उसको या सौंफ को अपनी सैलड वगैरह में ये ऐड कर सकती है। 200 मिलीग्राम से ज्यादा एक दिन में कैफीन का लेना जरूरी नहीं है। अगर कैफीन, अगर इन्होंने चाय वगैरह लेनी है तो 2 कप जो है वो इनके लिए इनफ है, इससे ज्यादा वो कैफीन लेना जरूरी नहीं है। इसके अलावा हम इनको कुछ डायटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्रैश डाइट जो है वो हम रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रैश डाइट से क्या होता है कि दोबारा जो है वो वेट गेन होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कैल्शियम सप्लीमेंट जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है, इनको डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि कैल्शियम हम कार्बोनेट रिकमेंड कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर मैक्सिमम 40% कैल्शियम होता है, कैल्शियम सिट्रेट के अंदर 21% कैल्शियम है, कैल्शियम ग्लूकोनेट के अंदर 9% कैल्शियम है, कैल्शियम लैक्टेट के अंदर 30% कैल्शियम है, कैल्शियम फॉस्फेट ट्राइबेसिक के अंदर 38% कैल्शियम है। तो ये अपना सप्लीमेंट के थ्रू भी कैल्शियम का सोर्स को पूरा कर सकते हैं। बस इनफ, थैंक यू, ये था आज का लेक्चर। हेलो, हेलो 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 सर फातिमा, फातिमा, वी कैन हियर यू, नॉट प्रॉब्लम। सर मैंने लेक्चर दे दिया, आपको आवाज नहीं आई? डॉक्टर मोहम्मद अकरम, नेक्स्ट स्पीकर। डॉक्टर मोहम्मद अकरम, नेक्स्ट स्पीकर।
जी डॉक्टर फातिमा, मुझे आपसे एक सवाल है जो सवाल इस टॉपिक से तो हटके है, सिर्फ आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हवाले से करना चाहूंगा। वहां पे कोई जियापोता नाम का कोई दरख्त है आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में? किस नाम का दरख्त? जियापोता करके कोई दरख्त है, मैंने कई जगह पढ़ा है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है। हकीम मंसूर साहब ने भी एक दो दफा कहा, मैंने कहा कि सर वो मुझे कभी दरख्त के बारे में कुछ थोड़ी सी तफसील बताएं। असल में जिया पोता बेसिकली वो इनफर्टिलिटी के हवाले से है, और उस शायद जिया पोता उसको नाम इसलिए